नमस्ते, मैं हूपाल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे वीआर चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू था विद राजदीप सरदेसाई, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा और वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरे उसके ऊपर क्या विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ, ये जो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुई कल इंडिया टुडे के चैनल के ऊपर, वो इंटरव्यू का प्रोपोगंडा किया गया। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को बताया गया कि द सो कॉल्ड अक्यूज्ड इन सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ की इंटरव्यू कर रहा है राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेकर आया एंड उसको फ्लाइट लेने के बाद किसी ने क्वारंटाइन भी नहीं किया। वो राजदीप सरदेसाई की इंटरव्यू का पीआर एक्टिविटी हो रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को भिजवाकर। क्या राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे ग्रुप को पैसे मिले थे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने के लिए? वॉज दिस अ मीडिया नेट एक्टिविटी? आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूं और मुझे पता है कि कैसे मीडिया नेट द्वारा जर्नलिस्ट एंड मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस वो स्टोरीज और इंटरव्यूज करते हैं जो एक्टर को बेनिफिट करती है, और इसके लिए एक्टर उन्हें पैसे देता है या एक्टर के पीछे उनका गॉडफादर उन न्यूज हाउसेस को, मीडिया हाउसेस को पैसे देता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इंटरव्यू ऑफ रिया चक्रवर्ती वाज प्रॉम्प्टेड बाय अ मीडिया नेट एक्टिविटी। ये इंटरव्यू के अंदर राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली ताहिर हुसैन का समर्थक है, वो ताहिर हुसैन हु हैज बीन नेम्ड इन द सीएए प्रोटेस्ट, वो राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू करता है। एंड ये इंटरव्यू करते समय रिया चक्रवर्ती की एक नेबर है जो ऑब्वियसली दूसरे न्यूज चैनल्स को बयान दे रही होती है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक कर रही होती थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, मगर ये सब कठिन सवालों का जवाब नहीं दिया रिया चक्रवर्ती ने। ये ब्लैक मैजिक वाले सवालों को घुमाया है, व्हाट्सएप चैट्स जहां पे ड्रग के डीलिंग की बातचीत हुई है उसको घुमाया गया है। जी हाँ, जहां पर वो खुद अपने फोन से दीपेश सावंत को कह रही थी कि वो माल लेके आओ, ने ये माल लेके आओ, ने इतना माल लेके आओ, वो सब मैसेजेस के ऊपर उसने कुछ बातचीत नहीं करी है। मुझे समझ नहीं पड़ता कि कोई आदमी कैसे एक इतने इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी को इतना सफर करा सकता है इतने महीनों से प्यार का ड्रामा करके, या ग्लैमरस हॉट लड़की बनने का ड्रामा करके। दिस इज लाइक हनी ट्रैपिंग रिया चक्रवर्ती। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद राजदीप सरदेसाई। वो कहती है कि जनवरी 2020 में भी सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ रिया चक्रवर्ती, दैट इज फॉर श्योर। उसके कॉन्शियंस के अंदर, सब कॉन्शियंस के अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रिया चक्रवर्ती वाज नॉट द राइट गर्ल फॉर हिम। उसने उसको तभी कहा था कि उसको पवना पवना जाना है। जी हाँ, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। लोगों ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वांटेड टू लीव हिज मुंबई रेजिडेंस एंड गो एंड सेटल इन पवना। इसके ऊपर आई थिंक सुशांत के असिस्टेंट या कोई भी जो उसके सह स्टाफ थे उन्होंने भी डिस्कशन करी है। सो आई कैन अंडरस्टैंड ये बात सच हो सकती है। तो रिया को जनवरी में भी सुशांत ने अपने घर से निकाल दिया था, मगर जब उसने फिर से सुशांत ने रिया को फोन किया तो रिया अपना बैग बिस्तरा बोरिया लेकर सुशांत के घर में आकर रहने लगी। बिकॉज हु वुड नॉट लाइक टू स्टे इन अ सी फेसिंग बैंड्रा अपार्टमेंट, ऑब्वियसली फ्रॉम दैट ग्रिल्ड अपार्टमेंट जो एक बहुत ही बी कॉलोनी में था इन बॉम्बे, where her family stays. Yes, I'm going to talk like this way because यहाँ पर किसी की मौत हुई है और उसके मौत के बाद उसको as a drug addict promote करने का प्रयास किया जा रहा है by the main accused and the people behind her. So let's just directly attack her because she is directly attacking the memory of Sushant Singh Rajput, who was a fitness freak, an intelligent mind, who was not given his due credit because Bollywood के अंदर campism है. Bollywood was threatened by his talent. Bollywood was threatened by his extraordinary performance, and वो एक चापलूस नहीं था। उसने कोशिश करी चापलूस बनने का, but he could not become the चापलूस like other outsiders become, and that is why probably they started distancing him, and that is when he started getting affected or anxious, और उनकी anxiousness का फायदा उठाया रिया चक्रवर्ती ने, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसको रोहिणी अय्यर ने मिलाया सुशांत सिंह राजपूत से। वो रोहिणी अय्यर जो सुशांत सिंह राजपूत की वेलविशर नहीं थी, क्योंकि रिया को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलाने के बाद रोहिणी अय्यर स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद देम। सो रिया चक्रवर्ती वाज अ प्लांट बाय रोहिणी अय्यर, द सो कॉल्ड पीआर
पब्लिसिस्ट जो अपने आप को कहती थी कि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, सबने वो इनोसेंट आदमी का यूज किया है. रोहिणी अय्यर, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी क्वेश्चन्ड बाय मुंबई पुलिस आफ्टर दिस यू नो इंटरव्यू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और बाय CBI इफ यू आर अ क्रिमिनल, बिकॉज आपने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में प्लांट किया और अब उसकी डेथ के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का ड्रामा कर रही है, तो यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस, डोंट यू थिंक रोहिणी अय्यर, द सो कॉल्ड ए ग्रेड PR ऑफ बॉलीवुड, जो ऑब्वियसली उद्धव सरकार की बहुत जय जयकार करती है, बिकॉज उसको लगता है कि उद्धव सरकार इज अ गुड सरकार एंड उसके पीछे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब उद्धव सरकार की जय जयकार करते हैं, बिकॉज PR ने बोला है. किसी का कुछ दिमाग नहीं चलता, वो सिर्फ PR के हिसाब से चलते हैं, चाहे उनको सच दिखे या ना दिखे. नथिंग अगेंस्ट उद्धव सरकार personally, please here, please don't put me into any political rivalry battle, but ye PR activity Bollywood ne kiya tha when Uddhav Sarkar was appointed in Maharashtra, so I am remembering all those facts and trying to correlate. To ab Riya Chakravarti ke interview pe fir se wapas aate hain. So, ये इसको जो जनवरी में निकाल दिया गया था, इसके बाद ये फिर से वापस आई थी जब सुशांत ने उसको फोन किया था. एंड जून में सुशांत सिंह राजपूत वॉज प्लानिंग टू मूव टू कुर्ग. जी हाँ, मे बी ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वॉज शेपिंग अप इन हिज लाइफ और इन हिज करियर और हिज ऑफर्स और वट एवर. सो कुर्ग जाके शिफ्ट होना, बॉलीवुड को छोड़ना, ये एक सोच सही थी, जो परिवार ने भी कहा. द फादर, द सिस्टर्स, एवरीबडी सेड दैट ही वॉन्टेड टू लीव बॉलीवुड एंड शिफ्ट टू कुर्ग. Now, ये बात को यू नो कोलैबोरेट कर रही है रिया चक्रवर्ती, सो आई एम बिलीविंग दिस स्टेटमेंट ऑफ हर्स. तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के नेपोटिज्म, बॉलीवुड के कैंपिज्म ने सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग के ऊपर अफेक्ट किया था. सो कहीं ना कहीं कंगना की स्टोरी बोर्ड, हमारी स्टोरी बोर्ड की बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स के दिमाग को अफेक्ट किया जाता है, जो आउटसाइडर्स उनको थ्रेटन करते हैं, वो एक सच्ची बात थी. बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत वॉज प्लानिंग टू मूव टू पवना इन जनवरी एंड इन टू कुर्ग इन जून. अब जब जून में उसने बोला रिया को कि वो कुर्ग जा रहा है और उसको अभी रिलेशनशिप तोड़नी है, बिकॉज एज पर रिया चक्रवर्ती, सुशांत ने फिर से उसको घर से जाने को बोला था, मगर रिया घर से जाने के बाद इमीडिएटली महेश भट्ट साहब को फोन करके बोलती है या मैसेज करके बोलती है कि उसने, यानी आयशा ने, जो उसका नाम था जलेबी पिक्चर में, जिस पिक्चर में उसने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा. तो यहां पर वो अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि खुद स्टेटमेंट में कहती है कि सुशांत ने मुझे जाने को बोला, और जाते ही वो महेश भट्ट को बोलती है कि मैंने आज सुशांत को छोड़ दिया, अपने पंख खोल दिए. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन हर ओन स्टेटमेंट्स बाय हरसेल्फ. अब वो कहती है कि सुशांत ने उसे फोन मैसेज किया, हाउ आर यू आर वट एवर, मगर ये मैसेज पाने के बाद उसने सुशांत को ब्लॉक कर दिया. तो ये जो थ्योरी थी कि सुशांत ट्राइड कॉलिंग रिया अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू टू हर, सो बिकॉज शी हैड ब्लॉक्ड हिम, वो एक सच कहानी है. बिकॉज रिया ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि सुशांत ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे पूछा हाउ आर यू, मगर सुशांत ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको ब्लॉक कर दिया. ये रिया की कहानी है, एक्सप्लेनेशन है, मगर फैक्ट इसमें यह है कि उसने सुशांत का कॉल ब्लॉक कर दिया. शी हैड पुट सुशांत सिंह राजपूत इन ब्लॉक लिस्ट. तो यहां पे लेट्स फिगर आउट द फैक्ट्स व्हिच हैव कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हरसेल्फ. अब वो कह रही है कि शी वॉज वेरी शॉक्ड कि कैसे उस सुशांत ने अभी तक उसको वापस नहीं बुलाया, बिकॉज हरदम वो उसे वापस बुलाता था. क्यों बेटा, तू जादू टोना करती थी, ब्लैक मैजिक करती थी, इसलिए वो तेरे को हरदम वापस बुलाता था? वॉट इज दिस लॉजिक ऑफ योर्स? सबसे पहले अगर वो तुझसे प्यार करता था तो घर से बाहर जाने को कहता नहीं, मगर उसने तेरे को घर से बाहर जाने को दो बार बोला, और उसके बाद जब तेरे को बुलाता था तो तू आ जाती थी. मतलब कहीं ना कहीं यू आर ऑब्वियसली यूजिंग हिम एज आई डोंट नो एज अ सोशल क्लाइमर, बिकॉज तेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो था नहीं. क्योंकि अंकिता के ऊपर ब्लेम करना और कहना कि अंकिता उसके साइड के घर में रह रही थी, दैट इज कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स ऑफ योर्स, बिकॉज यू डोंट इवन नो अंकिता एंड हिज रिलेशनशिप, यू डोंट नो ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे ब्रोक ऑफ. ठीक है, यहां पर किसका फॉल्ट था तुम्हें नहीं पता, और अंकिता ने कभी कोई घर का जो उसका पार्ट था उसका कब्जा करके नहीं रखा था. इट वॉज अ पार्ट विच हैड सुशांत सिंह राजपूत नेम प्लेट आउटसाइड द फ्लैट, एंड ऑब्वियसली इट वॉज अप टू सुशांत सिंह राजपूत टू
रिट्रीव द प्रॉपर्टी, टू मेक अ वॉल इन बिटवीन और टू डू वॉट एवर ही हैड टू डू, बिकॉज वो हाउस तो उसी के नाम पे था. किसी ने नहीं बोला कि वो हाउस अंकिता के नाम पे शिफ्ट हो गया था. अंकिता अपना EMI पे कर रही थी, जिसका उसने प्रूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिया है. अब आगे बात करते हैं कि जब वो यूरोप ट्रिप में गए थे तो रिया कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज इन टच विद हिज फादर, और नवंबर में इसने रिया ने उनकी फैमिली को सुशांत सिंह राजपूत के मेडिकेशंस और डॉक्टर्स के बारे में बोल दिया था. तो कहां से वो व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक होते हैं जहां पर फादर उसे बेग कर रहा होता है कि तुम मुझसे बात करो, क्यों तुम फादर से बात नहीं करना चाहती थी, अगर तुमने फादर और फैमिली को बता दिया था कि ही वॉज ऑन मेडिकेशंस एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, देन फादर के मैसेजेस का जवाब तुमने क्यों नहीं दिया जब फादर ने तुमको कहा कि उसको बॉम्बे आना है, उसने जब श्रुति मोदी को मैसेज किया कि he wants the flight tickets because he wants to visit his son. So you are obviously lying here because your WhatsApp messages are on public platform. अब तुम्हारी वो जो molestation वाली कहानी है उसके ऊपर तो मुझे हंसी भी नहीं आती. That is like so beyond level to even talk about it. आगे बात करते हैं कि तुम चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे. तो जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गया अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, और उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति भी यूएस से आ रही थी और उसको टाइम लग रहा था टू फिगर आउट हर टिकेट्स एंड एवरीथिंग, तब तुमने 20 या 25 कॉल क्यों जनवरी में किए सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई वापस बुलाने के लिए? व्हाट वॉज द लॉजिक इन दैट? अगर आप चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे और वो अपनी फैमिली को मिलने खुद गया था, then why did you do those desperate mad calls of 20-25 calls in a span of 2-3 days? ये क्या इतना कौन सा बड़ा असाइनमेंट आ गया था जिसके लिए आपको सुशांत सिंह राजपूत को बुलाना था? पैसे खत्म हो गए थे ड्रग्स के लिए, खुद के ड्रग्स के लिए, कि तुमको सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड चाहिए था, तो क्रेडिट कार्ड वो छोड़ के नहीं गया, डेबिट कार्ड छोड़ के नहीं गया, तुमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पासवर्ड नहीं लिया, क्योंकि तुमको क्या जरूरत थी सुशांत सिंह राजपूत को 20-25 कॉल्स करके उन 3 दिनों के अंदर इतना हाइपरनेस क्रिएट करने के लिए जब सुशांत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने गया था. इफ यू डिड नॉट वांट टू कम बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली, बिकॉज अगर मैं आपकी ये थॉट प्रोसेस को बिलीव करना चाहती हूं, मगर आपके शब्द कुछ और है और आपके एक्शंस कुछ और है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डीकोड फ्रॉम वॉट एवर वर्ड्स यू हैव सेड इन योर इंटरव्यू विद द डियर राजदीप सरदेसाई. अब आगे बात करते हैं. The father had messaged me जब सुशांत hospitalized था, ठीक है, तो मुझे hospital के footages बताइए, आप hospital के bills बताइए, और father ने जब आपको message किया था तब father का वो message का जवाब आपने क्यों नहीं दिया जो father का public हुआ है on public domain, जहां पर वो tickets मांग रहे हैं श्रुति मोदी से क्योंकि वो अपने बेटे को मिलना चाहते थे. Why didn't you take initiative there if you had nothing wrong or bad in your heart? ठीक है, अब आप बोलती हैं कि आपका लव ऑफ द लाइफ हैज बीन टेकन अवे. ओके, वी वांट टू इवन बिलीव यू बिकॉज ये फ्री कंट्री है, यू हैव अ राइट टू पुट योर वर्जन, मगर आप मुझे बताइए कि आपका लव ऑफ द लाइफ चला गया था, मगर जब वो आपकी जिंदगी में था तब आपने क्या किया लोगों को बताने के लिए कि वो आपका लव ऑफ द लाइफ था? क्यों आपने इंस्टाग्राम से सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए थे? इसलिए बिकॉज सुशांत ने आपको घर से जाने के लिए बोला. मगर अगर सुशांत ने आपको घर से जाने के लिए बोला तो अगले दिन तो उसने आपको मैसेज किया ना, हाउ आर यू बाबू, तो आप इतनी कपटी थी कि आपने इंस्टाग्राम से सारे उसके फोटोग्राफ्स डिलीट कर लिए और उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जब दिशा सेलियन की न्यूज पब्लिक हो रही थी, जहां पर फिर से दिशा सेलियन का नाम सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा जा रहा था. बिकॉज आपने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत मी टू एलिगेशन से बहुत ज्यादा अपसेट थे, जो मैं बिलीव करना चाहती हूं और बिलीव करती हूं, क्योंकि मी टू एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया था. संजना संगी इज नॉट व्हाट शी सीम्स टू बी, शी इज अगेन अ फेस इन फ्रंट ऑफ सर्टन पीपल हु वांटेड टू डिस्ट्रॉय सुशांत सिंह राजपूत. संजना संगी इज अगेन अ प्लांट. ये कैसे मुकेश छापड़ा की पिक्चर करती है, इसने क्या क्या किया है ये पिक्चर पाने के लिए, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इफ बाय मुंबई पुलिस और बाय CBI, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फेक मी टू एलिगेशंस लगाने वाली संजना संगी थी, जो आज की तारीख में मगरमच्छ के आंसू बहाती है व्हेन शी हैज टू प्रमोट हर फिल्म, बिकॉज सडनली वो 200 करोड़ फिल्म की हीरोइन बन गई है. तो ये संजना संगी को इतना टाइम लगा था क्लैरिफिकेशन देने के लिए अबाउट मी टू एलिगेशंस अगेंस्ट हर को-स्टार, क्यों? तो संजना संगी इज अ आरोपी, इज अ पर्सन दैट लेड टू प्रोबेबली
मेंटली अफेक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी के पीछे कौन है उसको फाइंड आउट करो. द पीपल हु प्लांटेड संजना संघी इन मुकेश छाबरास फिल्म दे नीड टू बी फाउंड ऑल्सो बिकॉज द पीपल हु प्लांटेड रिया चक्रवर्ती इन सुशांत सिंह राजपूत लाइफ ऑल्सो प्लांटेड संजना संघी इन मुकेश छाबरास फिल्म एंड द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ मुकेश छाबरास फिल्म. क्योंकि जो मुकेश छाबरा की फिल्म थी दिल बेचारा दैट वॉज रिटन एज इफ इट वॉज गोइंग टू बी सुशांत सिंह राजपूत लास्ट फिल्म. जी हाँ, ये फिल्म को लिखा गया था ये सोच समझ कर कि ये सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म होगी और ये फिल्म के रिलीज होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाएगी. जी हाँ, आई बिलीव इट 110%. हु इज बिहाइंड दिल बेचारा? हु इज बिहाइंड मुकेश छाबड़ाज फर्स्ट डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट? हु इज बिहाइंड संजना संघी? एवरीथिंग कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस. Who is behind Rohini Iyer planting Riya Chakravarti in Sushant Singh Rajput's life? तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आरोप कम हो जाएगा. मैं आपकी सिर्फ ये बात मानती हूँ कि संजना संघी is equally responsible for tarnishing Sushant Singh Rajput's mental health and his image and his reputation like the other Bollywood gang जो उससे काम छीन कर अब अपने बीच में बांट रहा था बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ हिज टैलेंट. ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर. तो यहां पर मैं आपकी बात मानती हूं ये मी टू एलिगेशंस पे रिया चक्रवर्ती, मगर आपकी बाकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही है. आपने कहा कि ऑब्वियसली आपने सॉरी बाबू इसलिए बोला बिकॉज समबडी लॉस्ट हिज लाइफ. एक्सक्यूज मी, आप कुछ बोल कैसे सकेंगे जब आपका लव ऑफ द लाइफ गुजर जाता है? आप अपने लव ऑफ द लाइफ की फोटोग्राफ्स डिलीट करके इंस्टाग्राम से महेश भट्ट को क्यों फोन करेंगे? व्हाट इज द लॉजिक देयर? व्हाई कांट यू जस्ट कीप योर फोन टू योरसेल्फ? यहां पर आपको हर दम महेश भट्ट को फोन करने की क्या जरूरत है? आप क्यों महेश भट्ट को फोन करती थी? क्या महेश भट्ट ने आपको इम्प्लांट किया था सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में? इज रोहिणी आयर नाउ वर्किंग फॉर महेश भट्ट? व्हाट इज द कनेक्शन? व्हाई वर यू कॉलिंग महेश भट्ट आफ्टर लीविंग सुशांत सिंह राजपूत हाउस? एंड व्हाई वर यू टेलिंग महेश भट्ट कि आपने छोड़ा सुशांत सिंह राजपूत को जब इंटरव्यू में आप कहते हैं कि सुशांत ने मुझे घर से निकाला? सो यू to really understand that you are contradicting yourself. साथ साथ में ये संजना संघी needs to be investigated, रोहिणी अय्यर needs to be investigated, क्योंकि रोहिणी अय्यर ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम का पोस्ट लिखा था सिंपथी पाने के लिए, अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का बेस्ट फ्रेंड बताने के लिए. सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, संदीप सिंह से लेके रोहिणी अय्यर से लेके बेस्ट को-स्टार संजना संघी भी आ गई उसकी मौत के बाद. बट जब वो जिंदा था तब आप लोग कहां थे? क्योंकि संजना संघी के साथ प्रमोशन करने से भी सुशांत सिंह राजपूत डर रहा था. Actually that scared, the Me Too allegations had actually made him so scared that he was scared of promoting Dil Bechara with Sanjana Sanghi, thinking that ye mere upar fir se koi rape ka aarop nahi laga degi. To aap logon ne, jo log थे संजना संघी के पीछे, रिया चक्रवर्ती के पीछे, आप लोगों ने ऐसा किया सुशांत सिंह राजपूत को? यू एक्चुअली मेड अ टैलेंटेड परफॉर्मर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सो हाइपर एंड सो एंशियस बाय पुटिंग फॉल्स एलिगेशंस ऑन हिम? जी हाँ, राजीव मसंद, यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग ब्लाइंड आर्टिकल्स ऑन हिम. हिम्मत है तो रणबीर कपूर के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख के दिखाओ. हिम्मत है आलिया भट्ट के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख के दिखाओ. हिम्मत है सलमान खान के ऊपर लिख के दिखाओ. हिम्मत है आप कतरीना कैफ के ऊपर लिख के दिखाओ. हिम्मत है अक्षय कुमार के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख के दिखाओ. अक्षय कुमार एंड हिज हीरोइंस, लिखो आर्टिकल, फिर मैं देखती हूँ कि आप में कितनी हिम्मत है. आप में सिर्फ हिम्मत थी सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो बेचारा कभी कुछ बोलता नहीं था. बोलता था कि चलो छोड़ दो, यू नो, ऐसे ऐसी चीजों पर रिएक्ट मत करो. दैट इज व्हाई यू केप्ट ऑन टारगेटिंग हिम. यू आर ऑल शेमलेस. यू ऑल आर people who are supported by some people, and that some people needs to be exposed, whoever that Bollywood gang is, jisne Riya Chakravarti ko plant kiya, Sanjana Sanghi ko plant kiya, Mukesh Chhabra ko ye script pe picture banane ko bola, Rajiv Masand jaise logo ko blind articles karne ke liye bola. theek hai, Riya ka ek aur interview mein statement hai ki he was affected by not being nominated for awards even though his films made money and him being a great performer. To ji haan, yahan par award ki controversy bhi sach hoti hai jiske upar Kangana ne awaaz uthai hai. Awards are fixed, awards are rigged, and awards mein nominate hone ke bawajood usko Mahendra Singh Dhoni ke liye award nahi mila us saal when he went for IFA. So getting nominated
and not getting an award when he was the best performer that year also affected him. And that was done by the Bollywood lobby, the Bollywood campism, because वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत शाइन करे. उनको राजकुमार राव को पिक्चर देनी है because राजकुमार राव is not as good looking as सुशांत सिंह राजपूत. उनको अमित साध को देनी है because अमित साध obviously was not as you know prominent in Kapioche as Sushant Singh Rajput, but they were threatened by Sushant Singh Rajput and that is why they didn't even nominate him in award functions. Aur jin award functions mein unko nomination mili unko ek award nahi mila. Sharam karo tum log. Kangana ki theory yahan pe nepotism campism sab ki sab sahi hai because that also role played in you know destruction of Sushant Singh Rajput's I think positive attitude after Riya came into his life. अब ये दिशा सेलियन का जो भी एंगल था जो अभी डिस्कवर होगा विद द सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो मैं रिया सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ. आपको पता था कि मीटू एलिगेशंस ने कितना अफेक्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत को? आप अगर उसको चाहती थी तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा सेलियन का एंगल भी सुशांत सिंह राजपूत को कितना अफेक्ट करेगा. उसके बावजूद आपने उसका फोन क्यों ब्लॉक किया? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू बिकॉज दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग. यू आर ऑब्वियसली जेपोटाइजिंग योर ओन इंटरेस्ट बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक दैट. अगर मी टू से वो इतना अफेक्टेड था और आप उससे प्यार करती थी एंड ही वॉज द लव ऑफ योर लाइफ, आपको पता होना चाहिए कि दिशा सेलियन के मर्डर से या डेथ से भी वो उतना ही अफेक्ट होने वाला है क्योंकि मीडिया ट्रायल चल रहा था दिशा सेलियन के डेथ के टाइम पे, मगर आपने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाला. दैट इज योर फॉल्ट. यू नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. और अब आप आके सबके सामने कह रही है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है. वाओ, आई थिंक कर्मा कांट गेट बेटर देन दिस रिया चक्रवर्ती फॉर यू. एंड आप अब विक्टिम कार्ड बंगाली वुमेन का प्ले कर रही है अपनी इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपने बोला है कि मेरे पे ब्लेम आ रहा है क्योंकि मैं बंगाली हूं एंड बंगाली वुमेन डू ब्लैक मैजिक. डोंट गेट इनटू दैट जोन. डोंट गेट इनटू महाराष्ट्रन हाउसवाइफ बंगाली वुमन एंड ऑल दैट क्रैप. नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट शिट एनी मोर. एंड अंकिता लोखंडे का ऑब्वियसली बयान आया है ओवर रिया चक्रवर्ती सो कॉल्ड इंटरव्यू विद राजदीप सरदेसाई, जहां पर उसने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थी. वंस दे सेपरेटेड सुशांत सिंह राजपूत ने अपना नंबर बदल दिया आफ्टर राप्ता शूटिंग, बिकॉज आई प्रिज्यूम आफ्टर राप्ता शूटिंग ही वॉज डेटिंग कृति वॉट एवर दैट नेम इज कृति सैनॉन. एंड अंकिता लोखंडे ने उसको चेस नहीं किया. वो आपकी तरह नहीं थी कि एक फोन से बुलाओ वो बैग बिस्तरा बोरिया लेकर उसके पास घर में आके खड़ी हो जाती थी. जैसे आप स्टार्टिंग में उसके घर पे गए थे, यू आर कॉलिंग हिम व्हेन ही सेड यस, यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग आउटसाइड हिज डोर. दैट डेस्परेट यू वर टू एंटर सुशांत सिंह राजपूत लाइफ. ओके, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग योर वे ऑफ लिविंग विद अ मैन एंड अंकिता लोखंडे इज वे ऑफ लिविंग विद अ मैन, बिकॉज यहां पर आप उसको उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है ये कहके कि शी इज डेटिंग हिज फ्रेंड. एक्सक्यूज मी, इट्स बीन 4 years. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी? जस्ट सिट इन द हाउस एंड लुक एट सुशांत सिंह राजपूत एंड जस्ट रिमेंबर हर पास्ट. एवरीबडी हैज अ राइट टू मूव ऑन. अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं चला, वो उन दोनों का बिजनेस है. यू हैव नो राइट टू टेल दैट नाउ शी इज डेटिंग एंड हैविंग अ रिलेशनशिप विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. व्हाट आर यू डूइंग? हु वर यू टू काइंड ऑफ स्टॉप हिम फ्रॉम कनेक्टिंग विद हिज फैमिली एंड डूइंग वॉट एवर यू डिड? आप तो इतनी डेस्परेट थी कि पहले दिन से उसके घर के सामने खड़ी होकर दरवाजे से फोन कर रही थी और पार्टी में लेके चली गई, और वो पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत से उस अपने भाई का बर्थडे पार्टी का क्रेडिट कार्ड से बिल पे करवाया. मतलब आप तो गोल्ड डिगर हैं, आपने कार्य ऐसे किए. फिर आप अभी कहना चाहती है कि मैं सोशल क्लाइंबर नहीं हूं. आपको सुशांत सिंह राजपूत से प्यार नहीं था, आप उसको यूज कर रही थी टू गेट इन टू द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सर्कल जो ए लिस्ट है, क्योंकि आपको बड़ी हीरोइन बनना था. ठीक है, अब अंकिता लोखंडे ने क्लैरिफाई किया है कि जो फोटो के ऊपर आप डिस्कशन कर रही थी कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, दैट वॉज वाया अ फ्रेंड मुकेश छाबड़ा. मुकेश छाबड़ा बहुत कनेक्टेड है, प्लीज अंडरस्टैंड, मुकेश छाबड़ा के बहुत कनेक्शन है. वो एक समय पर एक्चुअली टेक्निकली फैक्चुअली मेरे लिए जब आई यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू गेट एल्कोहॉल एंड कम एंड स्पेंड टाइम एट माई हाउस एंड वी यूज टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री. एट दैट टाइम ही वॉज नॉट अ ग्रेट कास्टिंग डायरेक्टर, ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट. तो वहां से ही हैज मूव्ड ऑन टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हाईली ग्रॉस्ड फिल्म्स इन 2020. इज अ गुड जर्नी मुकेश छाबड़ा, मगर आपने जो ये फिल्म लिखी है ना सुशांत सिंह राजपूत
डेथ को मद्देनजर रखते हुए ये ऑब्वियसली बात हमें भी समझ पड़ गई है, आपको भी पता है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये स्क्रिप्ट लिखी गई है वो सोच के साथ कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी. यस आई एग्री, देर आर पीपल हु आर दे हु वॉन्टेड सुशांत सिंह राजपूत नो मोर इन बॉलीवुड एंड मे बी नो मोर ऑन प्लैनेट अर्थ एंड दे हैव सक्सीडेड, बट नाउ वी विल ऑब्वियसली फाइट फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उसकी मौत शुड बी अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल द आउटसाइडर्स जिनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है. That's it. श्वेता सिंह कीर्ति के भी मैसेजेस आए हैं जहां पर वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रही है टू रिया सो कॉल्ड इंटरव्यू विद आज तक, जो आज तक ने प्रमोट किया वाया व्हाट्सएप मैसेजेस में भी आज तक को हवाला थ्रू पैसे भी मिले. आई डोंट नो, ऐसा रूमर सुनने में आ रहा है, मगर व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा इंटरव्यू को प्रमोट किया ये तो मेरे पास ईमेल पे एक स्क्रीनशॉट्स है कि इंडिया टुडे ने ऐसा किया है प्रमोशनल एक्टिविटी एंड प्रमोशनल एक्टिविटी एंड आपका ये स्टेटमेंट दैट फैमिली डिड नॉट स्टैंड बाय सुशांत सिंह राजपूत इज रॉन्ग रिया चक्रवर्ती, क्योंकि श्वेता सिंह कीर्ति भी इमीडिएटली फ्लाई ऑफ करके आई थी यूएस से जब सुशांत चंडीगढ़ गए थे, व्हेन शी केम टू नो दैट द ब्रदर इज नॉट वेल. ये उनका खुद का बयान है, मगर ऑब्वियसली आपने इतने पैरानोया वाले कॉल्स किए सुशांत सिंह राजपूत को एज पर फैक्ट्स, और इन कॉल्स द्वारा सुशांत को 3-4 दिन में वापस मुंबई लाया, दिखाता है कि आप ड्रग्स पे थे, आपकी कोई ड्रग की लत अटकी हुई थी, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत शायद अपने क्रेडिट कार्ड्स लेके चले गए थे या अपना पासवर्ड चेंज कर बैठे थे और आप चाहती थी कि वो वापस आए क्योंकि आप डेस्परेट थी एज पर द कॉल डेटा रिकॉर्ड्स. और इतना मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूं जाने से पहले कि किसी को ड्रग करना विदाउट हिज कंसेंट इज अ क्राइम, और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस ये रिवील करते हैं. अब सीबीआई आपके खिलाफ क्या एविडेंस इकट्ठा कर पाती है ये वो जाने, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल इन दिस पोजिशन, मगर आपने जो किया ड्रगिंग समबडी विदाउट हिज कंसेंट एंड मेकिंग हिम देन फील दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, टेकिंग हिम टू साइकाइट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स, ऑल दिस इज अ क्राइम. यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दिस रिया चक्रवर्ती. कितना भी आप ड्रामा कर लो राजदीप सरदेसाई के शोल्डर के ऊपर, नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर यू फॉर द रोल यू प्लेड इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ. नमस्ते.